हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे गर्ल्स, रिटन बाय मृणाल पांडे। ये स्टोरी शुरू होती है 8 साल की लड़की से जिसका नाम है लाली। ये लड़की बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। लाली की 3 बहनें हैं और लाली दूसरे नंबर पे आती है। लाली की जो मॉम है वो इस वक्त प्रेग्नेंट है और इस बार सब लोग उम्मीद लगाते हैं कि इस बार लड़का ही होगा। लाली और लाली की मॉम और लाली की जो सिस्टर्स हैं वो सब तैयार होती हैं, क्योंकि ये सारे लोग जा रहे हैं नानी के घर में। तो ये सारे लोग तैयार होकर स्टेशन पहुंचते हैं। अब लाली की मॉम जो है वो प्रेग्नेंट हैं, उनको अपने आप को भी देखना है और सारे सामान को भी देखना है और साथ ही साथ अपनी बेटियों को भी देखना है। अब वहाँ पे क्या होता है, लाली वहाँ पे समोसा खरीदती है और समोसे के अंदर से आलू निकाल कर उसका एक कीड़ा बनाकर अपनी बहन को सताने लगती है, तंग करने लगती है। तभी लाली की जो बड़ी बहन होती है वो लाली को डांट देती है। लाली की बड़ी बहन उससे प्यार भी करती है और उसको डांट भी लगाती है। अब क्या होता है, जब उन लोग ट्रैवल करके अपनी नानी के घर में पहुंचते हैं तो वहां पे उनके मामा दिखाई देते हैं, यानी लाली के मामा। सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और जब सब लोग अपनी नानी को देखते हैं तो नानी के पैर छूने लगते हैं। लाली जब अपनी नानी के पैर छूती है तो उसको सुनाई देता है कि किसी ने ज़ोर से बोला है कि लड़कियों को अच्छी तरीके से पैर छूने चाहिए, तो झुक के अच्छी तरीके से नानी जी के पैर छुओ। लाली को ये बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो पैर छू लेती है तब। और लाली की जो मॉम होती है, मदर होती हैं, वो अपनी डॉटर्स को इतना पसंद नहीं करती हैं क्योंकि वो लड़कियां हैं इसलिए। अब क्या होता है, लाली की जो नानी होती है वो हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करने लगती है कि इस बार बेटा ही हो। अब क्या होता है, लाली की जो मदर होती हैं वो और नानी आपस में कुछ बात करते हैं और लाली वो सारी बातें छिपके सुन लेती है। जब ये पता चलता है लाली की मॉम को कि लाली छुप के सारी बातें सुन रही हैं, तो उसकी मदर लाली को चुड़ैल बोल देती है और उसको बहुत उल्टा पुल्टा बोल देती है। अब कुछ दिन के बीतने के बाद अष्टमी आती है, जहाँ पर आप लोगों को पता है हिंदू कैलेंडर्स में ये होता है कि लड़कियों की पूजा की जाती है, वर्शिप की जाती है। तो अष्टमी आती है और लाली के सामने लाली की पूजा करने जाते हैं उन लोग, तो लाली मना कर देती है। लाली बोलती है कि क्या फ़ायदा, आप जब अष्टमी आती है तो आप लड़कियों को देवी मानते हो और जब अष्टमी चली जाती है तो लड़कियों को आप पसंद ही नहीं करते और जो मन में आता है आप बोलना चालू कर देते हो, तो क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों से। सुलाली इन सब चीज़ों के लिए मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और यहीं पे ये शॉर्ट स्टोरी फिनिश होती है। इस शॉर्ट स्टोरी में यही बताया गया है कि पहले बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता था। वेल, अभी भी भेदभाव होता है पर पहले बहुत ज़्यादा होता था। और इसमें ये भी बताया है कि जो लड़का होता था उसका कितनी ज़्यादा वैल्यू रहती थी। सो आई होप कि आपको ये शॉर्ट स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।